दोस्तों आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सुमित द फार्मासिस्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित बिश्नोई फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुमित द फार्मासिस्ट, जहां पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को पेट की समस्याएं रहती है, बहुत सारी दवाई ट्राई करने के बाद भी उनको उनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर हैं झंडू पंचारिस सिरप, जिसके बारे में आज संपूर्ण बातें करेंगे। किस तरीके से इसको लिया जाता है, कितनी डोज में लिया जाता है, क्या इसकी कीमत होती है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं झंडू पंचारिस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों झंडू पंचारिस सिरप जिसमें है एलोवेरा, द्राक्षा, अजवाइन, त्रिफला और लौंग का कॉम्बिनेशन। दोस्तों झंडू पंचारिस एक संपूर्ण आयुर्वेदिक पाचन टॉनिक है जिसमें 35 आयुर्वेदिक तत्वों की शक्ति है, जो कि आपके 7 पाचन केंद्रों पर कार्य करता है। यह पाचन क्षमता बढ़ाने और बार बार होने वाली पेट की तकलीफें जैसे पेट फूलना, एसिडिटी होना, गैस होना और कब्ज आदि को जड़ से ठीक करता है। झंडू पंचारिस की 2 चम्मच रोजाना दिन में 2 बार 30 दिनों तक नियमित सेवन करने से पाचन क्रिया जड़ से मजबूत बनती है और आपको पेट की तकलीफों से छुटकारा मिलता है। यह भोजन की रुचि को बढ़ाता है और आपको स्फूर्ति प्रदान करता है। दोस्तों अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। झंडू पंचारिस एक आयुर्वेदिक टॉनिक है तो इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, आप बिना किसी दिक्कत के इसको ले सकते हैं। किसी भी उम्र के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं झंडू पंचारिस सिरप की कीमत के बारे में। झंडू पंचारिस सिरप 450 ml की बॉटल में आता है। इसकी कीमत ₹145 है, जो कि आपको मार्केट में डिस्काउंट के बाद ₹130 तक उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों यही थी झंडू पंचारिस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। Thank you.